अब इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो एक परचेस का लेजर बनेगा, यहाँ पे प्रकाश ड्रग सेंटर का एक लेजर बनेगा और इन सब आइटम का सब स्टॉक बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, और एक वैट का भी लेजर बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास कंपनी है। इस कंपनी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक कंपनी बना लेते हैं फटाफट। और कंपनी बनाना मैंने बताया एक सेशन में, आप उस सेशन को भी देख लेना। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कोई भी, विकास इंडिया, इसको सेव कर लिया। और इसमें मैं क्या करना है, हमें काम करना है अपना। हम अकाउंटिंग इन्फो भी जाएंगे और लेजर भी जाएंगे, ठीक है। क्रिएट किया, F11 कर लो, यहाँ पर F11 करोगे आप और F3 करोगे, यहाँ पे मिलेगा VAT, उसको यस कर लो। यस करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा स्टेट कौन सा, आपने सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हैं तो 3 वगैरह नंबर पूछेगा। हर व्यापारी के पास 3 नंबर होता है, ठीक है। CST का रजिस्ट्रेशन डेट होगा, सेट अल्टर वैट का डिटेल ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव करने के बाद हम वापस जाएंगे, हम यहाँ लेजर बनाते हैं परचेस, ठीक है। हमारे पास जो वैट था, हमारे पास 4% का था, ठीक है। परचेस वैट एट द रेट 4%, काम ने एक लेजर बनाया, इसका अंडर रूप हो गया परचेस अकाउंट। और यहाँ पे ख्याल रखना, जो पूछेगा अप्लीकेबल, स्पेस प्रेस करिएगा, स्पेस बटन अप्लीकेबल करिएगा, और यहाँ पे अल्टर को क्या करना है आपको, इसको यस करना होगा नीचे वाला। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा नेचर है, तो यहाँ पे करोगे परचेस टैक्सी बिल, ठीक है ना, क्योंकि परचेस किया जा रहा है, कितना परसेंट, 4%। और एडिशनल टैक्स कोई लग रहा है, मान लो CST वगैरह लग रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हो, तो वरना नहीं लग रहा तो छोड़ दो, ठीक है। अब इसको सेव करो, एक परचेस का बन गया, और दूसरा कौन सा है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ड्रग सेंटर, और क्योंकि इनसे हम खरीद रहे माल, ठीक है, तो सन्डी क्रेडिटर हो जाएंगे ये, हमने इसको कर दिया सन्डी क्रेडिटर, और इसको हम सेव कर लेंगे। अगर कुछ डिटेल वगैरह देना चाहते हैं, ये कौन बंदा है, से यस करिएगा, यहाँ पे रेगुलर बंदा है, कंपोजर है, डीलर है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, ओके। और हमें इसको सेव करना है, हम दोनों ने दो लेजर बना लिए, एक बनाएंगे हम इनपुट वैट एट द रेट 4%, ठीक है, इसको तो बनाना पड़ेगा ना। और इसका जो अंडर ग्रुप क्या होता है, ड्यूटी टैक्सेस, ओके, इंटरफेस करिएगा, यहाँ से लेकर वैट, और यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ सेव करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको सेव कर लो। इसके बाद क्या करना है आपको, बैग जाना है, बैग जाने के बाद आप इन्वेंट्री इन्फो जाओ और स्टॉक बना लो यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक भी है, क्रिएट किया। अब आपके पास कौन कौन सा सामान है, एक बार सामान देख लो, सामान हमारे पास है स्टॉक लोपम लाइट और एक बॉक्स में है, ठीक है ना, तो चलिए इसको बना लेते हैं। और हमने क्या किया, स्टॉल ओपन, ठीक है, तो इसको हम अंडर ग्रुप ने कर दिया, मेडिसिन है या ड्रग कर सकते हैं इसको, हमने कह दिया मेडिसिन, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। और सेव करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको आप फील्स में कर लो तो सही रहेगा, ठीक है ना, फाइल्स सेव करो इसको। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये देखो अप्लीकेबल है, हर आइटम पे सेट करना है आपको, अप्लीकेबल कर लो यहाँ पे, और सेट करना चाहते हो यहाँ पे सेट कर लो 4%, ठीक है, सेव कर लो, और स्टॉल ओपन बन जाएगा। इसके बाद और सामान हमारे पास कौन सा है, एंड्रॉल 10 है, बिकॉज सूल है, तो बना लेते हैं एंड्रॉल 10। और एक बार जब बना लिए ग्रुप, देखो ये होता है आइटम जो बनाते हैं तो उसका ग्रुप होता है, इसे कपड़ा खरीद रहे हो कोई भी, मतलब ट्राउजर खरीद लिया, जीन्स वगैरह खरीद लिया, तो उसके लिए क्या करते हो आप, क्लॉथ बनाते हो ना, कि कपड़े का डिपार्टमेंट है, उसी से ये भी एंड्रॉइड 10 इसको सेट किया आपने, यस किया 4%। इसके बाद एंड्रॉइड 10 हो गया, इसके बाद क्या है, बिकॉज सूल मेडिसिन, फील्स में यस किया 4%, सेव कर लो। इसके बाद बिकॉसूल के बाद क्या है, हमारे पास है एसिलॉग जेनटेक, सेव कर लेंगे इसको 4%, जेनटेक मेडिसिन, और इसको सेव किया। देखो यहाँ पे यस करके ना, एक चीज़ ख्याल रखना, कुछ एडिशनल टैक्स भी लग रहा है ना, तो वहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला बॉक्स में, ठीक है, ओके, ये बन गया। अब बैग जाओ, सीधा बैग जाने के बाद अकाउंटिंग बाउच में जाओ, एंटर करो, यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेस करना है F9। देखो यहाँ पे
ये वाउचर सिंपल सा दिख रहा है, कंट्रोल वी करोगे तो अपने ओरिजिनल वाउचर में आ जाएगा। यहाँ बिल नंबर की बात हो रही है, तो मान लो जो मेरी कंपनी है विकास के नाम से, ठीक है, तो हमने किया डैश एक बिल नंबर दे दिया हमने 190, ठीक है, और पार्टी कौन सा इससे आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ ख्याल रखना, जब हम खरीदते हैं तो एक्सपोर्ट आर्डर नंबर होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन थ्रू किसके माध्यम से माल जाएगा, और कहाँ जा रहा है, प्रूफ एक्सपोर्ट नंबर, इंडोसमेंट जो होता है नंबर, इसको भी सेट करेंगे, डिपोर्ट किससे हो रहा है, ठीक है, अदर रेफरेंसेस, ये सब हम पूरा डिटेल फिट कर देंगे उस पर, ओके। अब बात करें परचेस कर रहे हो, तो हाँ परचेस वैट लगा दिया, ये तो स्पेस प्रेस करोगे, देखो यहाँ पर आपको आपके पास सब आइटम दिख रहा है, ठीक है, एंटर किया। अब देखो यहाँ लिख रहा है स्टॉल ओपन राइट, देखो ध्यान से, अब यहाँ आप 1000 फीस खरीद रहे हो तो आपने कर दिया 1000, ठीक है, इंटर करो। किस रेट से खरीद रहे हो, और आप खरीद रहे हो 5000 के रेट से, या एक मिनट सुनो, फीस की बात हो रही है ना, एक पत्ते का कीमत आप बना लो, ज़्यादा हो गया, 220 कर लो, ठीक है। इसके बाद हम देखो दूसरा आइटम पूछ दिया, दूसरा आइटम कौन सा हमारे पास था, हमारे पास आइटम था एनरोल 10, हमने पेश किया एनरोल 10, ठीक है। अभी मैं फिलहाल वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो यूनिट बनाते हैं हम लोग कंपाउंड करके और सिंपल करके, जो यूनिट की बात हो रही है ना, पीएच और बॉक्स, इसको मैं बाद वाले सेशन बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे कि बॉक्स और पीएच क्या है, ठीक है ना, सिर्फ किलोग्राम और ग्राम की बात हो रही है, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ये सेशन आपको समझ में आया, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं ना, बॉक्स और पीएच की बात होगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम एंड्रॉयड 10, और हम खरीद रहे हैं 500 के हिसाब से, ठीक है, और हमने इसको सेव किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज शूल हमने सेलेक्ट किया, कितना खरीद रहे हैं, बिकॉज शूल हम खरीद रहे हैं 100 फील्स 7.5 रुपये के हिसाब से 750, इंटरफेस करेंगे। बिकॉज शूल के बाद हमारे पास क्या है, एसी लॉक फिर जेंटेक, ठीक है ना, एसी लॉक कितना खरीद रहे हैं, देखो एसी लॉक हम खरीद रहे हैं 2000 फील्स, ठीक है, सॉरी 4.5 रुपये के हिसाब से 4.5 रुपये, इंटर करिएगा। अब लेकिन हम जेंटेक इंटर किया हमने 2000 फील्स, और ये 4.5 रुपये के हिसाब से इंटर करो, सेव कर लो। इंटर जब करोगे एक और इंटर प्रेस करोगे, अब यहाँ पे देखो इनपुट लगा हुआ, इंटर करो, देखो ऑटोमेटिक ये टैक्स काट देगा, क्लियर। देखो कितना, 338,750 का आपने माल खरीदा, उस पर आप 4% के हिसाब से 13,550 रुपये टैक्स दोगे, ठीक है। यदि सामान मंगाने में कुछ और भी पैसा लगा, मान लो जैसे सामान मंगाया तो गाड़ी का किराया भी तो लगेगा जी, तो यहाँ पे कर लो कैरिज, ठीक है, अल्ट्रा सी करके एक लेदर बना लो, किस चीज़ का कॉट बना लो कैरिज का, या फ्रेट कर लो कैरिज एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट आप देते हो, है कि ना, जो गाड़ी वाला आता है उसको हम डायरेक्ट देते हैं, सामान आएगा तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर लिया हमने, सेव कर लो। और इसको मंगाने में देखो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा, हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर मान लो उसको मंगाने में 600 रुपये लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा माल में जुड़ जाएगा। अब इसको क्या करो, सेव कर लो, यहाँ लिखो बीइंग, पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें ना, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, और इसको सेव कर लो, हम इसको कंट्रोल सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपको देखना कि कैसा आया, डबल डी प्रेस करो, एंटर प्रेस किया, अब ये आपको अल्ट के साथ पी करना है प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ आपको प्रिंट प्रीव्यू है ना, आपको ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अगर प्रिंट प्रीव्यू शो ना करे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई करते हैं ना, ख्याल रखना, जैसे अगर मैं कंट्रोल आई करूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल आई करूँ, ओके, तो इसको तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर लेंगे, ओके। देखो अब यहाँ पे यहाँ पर हम क्या करना है कि हमें अल्ट के साथ आई दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमें यस प्रेस करना है, अल्ट के साथ जेड। अब ये देखो पूरा पूरा आपके पास स्लिप आ गया, स्लिप कैसा है, देखो यहाँ पे प्रकाश डग सेंटर की बात हो रही है, इनसे क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है, और कौन खरीद रहा है, कंसाइनिंग कंपनी विकास खरीद रही है, यानी हम खरीद रहे थे, ठीक है, और सप्लायर नंबर वगैरह होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स अलग अलग बन गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक बन गया। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या, इनपुट वैट एट द रेट 4% लग रहा है, अलग अलग पूरा अमाउंट आ गया। अब देखो इसको पूरा पूरा प्रोसीजर, आपने टोटल इतना पीस खरीदा और इतना अमाउंट, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट लिख किया जाता है, यानी कितना 352,900 ओनली, ओके। और नीचे देखो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन होगा, कंपनी का टीन नंबर वगैरह होगा, खरीदने वाले बंदे का टीन नंबर, हर व्यापारी के पास टीन नंबर होता है, ठीक है, कंपनी का सीएसटी नंबर होगा, बायर का भी सीएसटी नंबर होगा, और यहाँ पे क्या करेगा,
जो प्रकाश डक सिग्नेचर होगा ना, प्रकाश का क्या बोला उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके तो हमने हमने क्या किया, परचेस कर लिया ना। अब मैं इसी चीज़ को दिखाता हूँ कैसे बेचते भी हैं, ठीक है ना। आप तो बहुत लोग बेचोगे ना, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर देख लो कैसे बेचते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर जाओगे और F8 प्रेस करोगे। और यहाँ पे देखो वाउचर हम खुद का भी क्रिएट कर देंगे कंपनी के नाम से, अभी हमें वाउचर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी देख लो क्या करेंगे। यहाँ पे बिल नंबर बना लो, किसी को बेच रहे हो, माल खरीद लिया आपने, अब क्या करोगे बेचोगे किसी को। यानी विकास ने क्या किया, प्रकाश से खरीद लिया माल, यानी हमारी कंपनी ने। अब हम क्या करेंगे, बिल नंबर हमने लगा दिया 0, यहाँ पे 191 बिल नंबर लगा दिया। अब देखो हमें क्या करना है, बेचना है, तो हमने एक बना लिया किसी और का नाम, जिसे हमने बना दिया रोयना, इनको बेच रहे हैं, सन्डे डेप्टर कर दो। हाँ ऐसा करते हैं, पूरा पूरा सामान बेच देते हैं ना, ठीक है, सेव किया हमने। और देखो यहाँ पर डिलीवरी नोट के बारे में पूछ रहा है ना, वो जो ऑर्डर नंबर होगा, डिस्पैच नंबर होगा, किसके माध्यम से जा रहा है, बिल जो गाड़ी होगी उसका पूरा पूरा डिटेल होगा, ऑर्डर नंबर होगा। ऑर्डर नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो हमने बताया, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, वो वाला आप जाके सेशन देख लेना। अब पेमेंट करने का सिस्टम क्या है, कैश है या बैंक है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। कुछ टर्म एंड डिलीवरी बोल सके ना, कि अगर आप सामान जा रहा है तो कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, फॉल्ट हुआ, तो वो किसकी जिम्मेदारी, वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ये बिल पे दिखेगा ना, ठीक है। यानी कि आपने सेल्फ कुछ भी लिख दो यहाँ समझने के लिए बस, और इसको सेव करो। यहाँ पे हम बनाएंगे अलग सा सी करके, हमने बना लिया सेल्स एट द रेट 4%, ठीक है। और सेल्स का क्या होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे और इंटर करके यस करेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सेल्स टैक्स बिल बनाएंगे, ओके। इंटर किया, यहाँ पे 4% लग रहा है तो 4% कर लेंगे हम सेट, देखिए 4% सेव कर लिया। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर हमें एक आउटपुट का भी बनाना पड़ेगा, ओके कोई नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इस बेस किया हमने, देखो हमारे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, सारा सामान, ठीक है। तो हम इसको सब बारी बारी बेच लेते हैं। हमारे पास क्या था सामान, देखो ध्यान से, स्टार पम्प लाइट था ना, 1000 फील्स है, 5000 के हिसाब से आपने खरीदा है, तो कुछ अपना जो बेनिफिट होगा वो अपना रख लेना, ठीक है ना। मतलब इसका मैं प्रोसेस मैंने बता दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, कि कैसे एक आइटम खरीदते हैं तो उस पर कितना लागत आता है, खर्च आएगा, तो उसको जोड़ के एक पीस का दाम कितना आएगा, वो मैंने एक सेशन बनाया है। तो अगर आपको देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, कि कैसे एक माल बनता है उस पर पूरा लागत जोड़ दिया जाए तो एक पीस का दाम कितना आएगा, ठीक है, तो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टेली सेशन में मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टॉल ओपन लाइट, हमारे पास 1000 पीस है, ठीक है, एंटर किया। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या रेट से बेचे हो आप, यहाँ पे आपने 220 के हिसाब से बेचा था ना, ठीक है, इसको बोल बेच दो 240 रुपये, ठीक है, एंटर करो। इसके बाद दूसरा आइटम क्या था हमारे पास, एंड्रॉयड 10 था 500, तो हमने लिया एंड्रॉयड 10। हम पूरा पूरा सामान बेचेंगे ना, ताकि समझ में आए अच्छे से, 500, और इसको हमने कर दिया 260 रुपये, सॉरी हमारे पास कितना था इसका आइटम, हमारे पास इसका आइटम था 500, तो हम 500 बेचेंगे और इसका रेट रियल में लगा दिया 260 रुपये। इसके बाद तीसरा आइटम क्या है, बीका सूल, तो हमने क्या किया, बीका सूल ले लिया 100 फील्स, इसका आपने रेट लगा दिया 6.5 रुपये, सॉरी इसको 8.5 रुपये कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसी लाख ले लेंगे, ऐसी लाख हमने ले लिया 200 फील्स, सॉरी 2000 फील्स था ना, ठीक है ना, और इसका रेट 4.5 लगाया था, इसको मतलब 500 रुपये। ऐसी लाख को लिया, जेंटेक हो गया, इसके बाद जेंटेक कितना, 2000 फील्स, रेट इसका 5 रुपये, सेव करो। इंटर करोगे, एक और इंटर करो, यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस करोगे ना, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, अल्ट के साथ सी करके बनाओ, आउटपुट वैट, क्योंकि सेल कर रहे हो तो आपको आउटपुट लगाना पड़ेगा, तो आउटपुट एट द रेट 4% यहाँ पे कर लो। इसके बाद इसका जो अंडर ग्रुप होगा क्या होगा, ड्यूटी टैक्सेस, जैसे इनपुट में आपने किया था ड्यूटी टैक्सेस, वैसे इसमें भी इनपुट में हो जाएगा। इसको वैट सेलेक्ट करो, इसको सेव कर लो। यहाँ पर देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना अपना पूरा पूरा डिटेल, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ओके। इसको हम सेव कर लेंगे, देखो हमने इस इंटर किया, एक इंटर किया, यहाँ पर हमने लगा दिया आउटपुट वेट, जैसे लगाएंगे तो टैक्स कट जाएगा। यानी 3,90,850 का सामान बेचा है, जिसमें 15,634 रुपये आपको टैक्स, ठीक है ना, आपको टैक्स मिला, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं,
इसको सब ना सेव करना है। यहाँ पे आप लगाना चाहते हो फ्रेट वगैरह कोई चार्जेस वगैरह तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। यानी एंट्री टैक्स लगा, सामान मंगा रहे हो तो टोल प्लाजा का टैक्स लग गया, तो उसी को यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे लिख दो बीइंग सोल्ड आइटम ऑन क्रेडिट, ओके। सेव कर लो इसको। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको देखना चाहते हो डबल डी प्रेस करो। डबल डी प्रेस करने के बाद देखो ये सेल का आ जाएगा। आल्ट के साथ पी करो और वाई प्रेस करो, आल्ट के साथ जेड करो। ये देखो पूरा पूरा ये आपके पूरे फॉर्म में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन था ना कि सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे वो चीज़ आप दिखा देगा, ठीक है। ये देखो पूरा पूरा यहाँ दिख रहा है कि आउटपुट वैट 4% लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा पूरा प्रोसेस है। अब ध्यान देना, ये प्रोसेस क्या होगा, एक पार्टी को पेमेंट करना होगा एक पार्टी को, ठीक है। एक पार्टी से रिसीव करना है, एक पार्टी को पेमेंट करना है। इसका पूरा जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, देखो ध्यान से। हमारे पास पैसा है नहीं, वैसे कंपनी हमारी फिलहाल तो ब्लैंक था, तो हम क्या करेंगे, हमने F6 किया और हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे कैपिटल अकाउंट का कि हमारे पास है इतना पैसा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कैपिटल कर लेंगे, ओके। और हम यहाँ पे रख देते हैं कि हमारे पास है जो पैसा 50 लाख है, ठीक है। इसको सेव कर लो, आपके पास पूरा पूरा कैश में है, ठीक है। सेव कर लो। अब ध्यान देना, आपको पेमेंट करना है एक बंदे को, किसको, जिस जिसने वाले माल खरीदा है उसको क्या करो, पेमेंट करो, ठीक है। F5 किया तो प्रकाश से हमने माल खरीदा था ना, तो इसको पूरा पूरा दे दो 352,900 रुपये, ठीक है। इंटर किया, अब यहाँ पे कैश अपने लगा दो सीधा सीधा। इंटर किया तो अभी आपके पास कितना बचा है, देखो ध्यान से, ओके, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे हम, यानी को फुल्ली सेटलमेंट सेव कर लो। एक बंदे से हमें लेना है तो F6 करो, यानी किस को माल बेचा था हमने, रोयना को बेचा था, यानी 4 लाख और 6,484 दे दिया। एंटर करो, अगेंस्ट बिल, यहाँ पे कैश अपना रिसीव कर लो। एंटर किया, देखो ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, फुल्ली सेटलमेंट, मतलब कि फुल पूरा काम हो गया, ठीक है ना, यही मतलब है इसका, सेटलमेंट। सेव कर लो। और भी डिटेल देना चाहते हो तो नरेशन में आप दे देना, है ना। और अब देखो ध्यान से क्या देखना हमें, अब हम आएंगे बैलेंस शीट पे। इंटर किया, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी क्या है। इंटर करो, देखो ड्यूटी टैक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ पे वो दिख रहा है ना कि इनपुट वैट 4%, यानी कितना है, 13,550 और 15,634, यानी जो इनपुट में परचेस किए थे आप उस वक्त इतना टैक्स आपने पे किया था, और आउटपुट में क्या किया आपने, ठीक है। तो इसको भी देख लो ध्यान से, परचेस करोगे तो पैसा आपने दिया तो टैक्स एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना, तो आउटपुट में रिसीव करोगे तो उन दोनों में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करके कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। जो इसका जो बिजनेस का मेन प्रोसेस होता है ना टैक्स में, क्या होता है कि आउटपुट से इनपुट को माइनस करना है ना। तो चलिए इसको शुरू कर दिखाता हूँ कैसे बनेगा। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम जो करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बना लेते हैं बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो हमने अलग साथ अलग साथ सी प्रेस करेंगे, हम बना लेते हैं एक बैंक, यानी विजया बैंक बनाया। इसका अंडर ग्रुप जो होगा वो बैंक होगा, आपको पता ही है। सेव कर लो, इसका पूरा डिटेल आप फीड कर लेना यहाँ पे, ओके। और अब क्या करना है हमें, देखो हमें क्या करना है, हमें पैसा लेना है, कौन सा पैसा, आउटपुट वाला। एंटर करो, कहाँ देना है, 15,634। एंटर करो, सॉरी 15,634। एंटर करोगे यहाँ पे, किस में डालोगे आप, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा विजया बैंक में। एंटर किया, क्योंकि देखो ये आपके विजया बैंक से सेट हो जाएगा चेक के माध्यम से। क्योंकि ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सेल किए माल, ठीक है, तो यहाँ पे तो सेट होगा ना यहाँ पे, ओके। ये अच्छा ठीक है, इसको दिखाता हूँ मैं, इसको सेव करते हैं। अब हम करेंगे F6, ठीक है। F6 में क्या करोगे, इनपुट वैट लगाओ, लिखो 13,550। एंटर करो,
और यहाँ पे अपने से क्या, जैसे विजय बैंक सेलेक्ट करोगे, देखो एंटर, अब देखो दोनों जो जो वैल्यू थी उन दोनों में माइनस होकर के सेट हो गई, यानी 2084 रुपये केवल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी क्या था, जो अमाउंट पहले था ठीक है, उस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर दिया, यानी टोटल जो माइनस होकर के आया 2084 रुपये केवल पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। सो सेव कर लो, सेव कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना क्या करना है आपको, आप जाओगे F5 में, F5 में क्या करोगे, आपको पेमेंट करना है साहब, ठीक है। किसको पेमेंट करना है, सॉरी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो गया, कितना ट्रांसफर हो गया आप देखना चाहते हो, बैलेंस शीट देख लो, आप बैलेंस शीट पे गए, एंटर किया आपने, देखो जो आपकी करंट लाइबिलिटी थी वो पूरा रिमूव हो गई, ठीक है ना। यानी 2084 रुपये केवल आपको बैंक में पे करना था, ठीक है। आपने देखा था कितना आया था, 15,000 आया था, 13,000 आया था, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, जो परचेज में इनपुट में था 13,000 लगभग था, और सेल आपने किया था आउटपुट में उसमें 15,000 था, तो दोनों में जो माइनस होकर के आएगा, जितना बैलेंस आएगा उतना ही बैंक बैंक में या गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आया, अगर आपको ये वैट वैट का लेसन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।